हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज हम लोग थोड़ा पहाड़ चढ़ने वाले हैं यूजिंग द हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम। देखते ही हमें टॉप ऑफ द हिल पहुंचा पाता है नहीं। तो एल्गोरिथम आपके सामने है, हम लोग इनपुट उसे एक प्रॉब्लम देंगे कि भाई हमें हिल के टॉप तक पहुंचना है, ये प्रॉब्लम दिया उसको और कुछ इनिशियल स्टेज दे दी कि हम लोग यहां से शुरू करने वाले हैं। उसको मैंने लोकल वेरिएबल कौन सी यूज किया एल्गोरिथम में, एक तो करंट स्टेट होगा जहां पे मैं अभी खड़ा हूं और एक नेबर होगा, नेबर मतलब उसके आगे वाला, ओके, जहां पे मुझे आगे स्टेप रखना है उसका नेबर स्टेट होगा, ठीक है। तो ये दो क्या आपके करंट नोड और नेबर नोड, ठीक है। अभी आ जाते जो करंट है, ऑब्वियसली आपको करंट को पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा भाई मैं कहां खड़ा हूं, मैं अगर पहाड़ चढ़ना है तो मैं इनिशियली खड़ा कहां पे हूं। तो मेरा करंट नोड क्या है, मेक नोड इनिशियल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम है उसमें जो मैंने इनिशियल स्टेट मेंशन किया है कि भैया मैं यहां खड़ा हूं, तो वो इनिशियल स्टेट ऑफ जो प्रॉब्लम है वो एक नोड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो नोड कौन सी होगी आपकी, करंट नोड होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोई तो एक इनिशियल स्टेट फ्रॉम द प्रॉब्लम हम लोग उसे लेंगे, उसे एक नोड में कन्वर्ट करेंगे और वो नोड आपकी कौन सी होगी, करंट नोड होगी। तो मेक अ नोड मींस मेक द नोड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड नेम दैट स्टेट एज अ करंट नोड, ओके। अभी मैं लूप में जाऊंगा, अभी ये इटरेटिव प्रोसेस है, समझ में आया कि नहीं, ये इटरेटिव प्रोसेस है। और एक बात प्लीज इसे याद रखिए, हिल क्लाइंबिंग सर्च जो है उसमें जो ताल्लुक होता है ना, दो नोड्स का सिर्फ ताल्लुक होता है इसमें, मतलब जो रिलेशन है जो हम लोग इसमें कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं वो सिर्फ दो नोड्स पे ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं। एक तो आपका करंट नोड होगा या फिर एक तो आपका नेबर नोड होगा, बाकी हमें आगे के नोड्स के बारे में कुछ नहीं पता। एक तो आप करंट नोड को कंसिडर करोगे और नेबर नोड को कंसिडर करोगे, आगे के नोड्स के बारे में कुछ नहीं पता आपको। सबसे पहले देखते हैं लूप के अंदर जाते हैं और पहली कंडीशन देखते हैं कि क्या अभी ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं, इस यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं कि मैं ये भी नेबर ले सकता हूँ, ये भी नेबर ले सकता हूँ, ये भी, मतलब मेरे पास नेबर नोड के लिए कई सारे ऑप्शन है। तो लूप में मैं सबसे पहले जाता हूं और एक कंडीशन डालता हूं कि डू नेबर जो है मेरा और हाईएस्ट वैल्यूड सक्सेसर ऑफ करंट, मतलब ऑब्वियसली मैं अभी करंट नोड पे हूं तो मेरे करंट नोड से बहुत सारे सक्सेसर्स हैं जो कि मेरे नेबर नोड बन सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें से हाईएस्ट वैल्यूड सक्सेसर चाहिए। कौन सा सक्सेसर, हाईएस्ट वैल्यूड सक्सेसर चाहिए उन सब में से। तो चलो मैंने हाईएस्ट वैल्यूड सक्सेसर चुन लिया कि भैया ये पांच ऑप्शन थे मेरे पास, पांच ऑप्शन में से मैं अभी आगे कहां कदम रखूं, तो ये मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ये हाईएस्ट वैल्यूड ऑप्शन है, तो मैंने वहां कदम रख दिया, उसे मैंने क्या कर दिया, नेबर बना लिया, ओके। तो वो नेबर बन गया। अभी मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि मैं चलो यहां पे तो स्टेप रख दिया, लेकिन जो पीछे वाला स्टेप था मेरा मैं उससे कंपेयर करके देखता हूं कि क्या है, वो बेटर है या नहीं, तो मैं उसकी वैल्यूज कंपेयर करूंगा। इफ द वैल्यू ऑफ नेबर, मतलब अगर मैं करंट स्टेट पे यहां था और अभी यहां पे, उस करंट स्टेट यहां था अभी यहां पे, और मैं क्या करूंगा इस नेबर की जो वैल्यू है वो करंट स्टेट के साथ कंपेयर करके देखूंगा कि अगर मेरे नेबर की वैल्यू जो है वो अगर कम रही या फिर इक्वल टू रही, मतलब लेस देन इक्वल टू, क्या अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, दैट इज वैल्यू ऑफ नेबर इज लेस देन इक्वल टू दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट, मतलब भाई मेरा पिछला वाला स्टेप ही सही था, मेरा पिछला वाला नोड बहुत बेहतर था देन दैट ऑफ द नेबर नोड दैट आई हैव सिलेक्टेड नाउ, तो मैं क्या करूंगा भाई सीधा सीधा रिटर्न कर दूंगा मेरा जो भी करंट स्टेट है, मैं करंट स्टेट को रिटर्न कर दूंगा, ओके, मुझे अभी आगे नहीं बढ़ना, मैं करंट स्टेट को रिटर्न कर दूंगा। या फिर अगर बाय चांस मेरे लेस देन इक्वल टू नहीं है, अगर ये ग्रेटर है तो एल्स में कंडीशन क्या आएगी कि हाँ नेबर भैया बढ़िया है, जो आपका नेबर नोड था वो बढ़िया है, थोड़ा प्रोग्रेसिव है, वैल्यू अच्छी है, तो चलो उसको करंट नोड बना दो। अब ये जो इफ की सिचुएशन है कहां आती है, मैं आपको बताता हूं, इफ की सिचुएशन लेस देन इक्वल टू, अब यहां पे आपको ये आपका करंट पॉइंट है, इस करंट पॉइंट को हम लोग लोकल मैक्सिमा कब बोलते हैं बताता हूं, सी ये आपका करंट पॉइंट है, ठीक है। अभी जो आपने नेक्स्ट सक्सेसर चुना जिसे हमने नेबर बोला, वो समझ लीजिए नेबर ये है, ऑब्वियसली आप ऐसे ही जाओगे ना, आपको अगर ग्लोबल मैक्सिमा जो हाईएस्ट रीचिंग पॉइंट होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, जो हाईएस्ट रीचिंग पॉइंट होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो होता है ग्लोबल मैक्सिमा, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता भाई, ये ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये आपका करंट स्टेट, ये है आपका नेबर, ओके। सो जब मैं कंपेयर करता हूं इन दोनों की वैल्यू, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस कहता है कि जो आपका नेबर है उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर्ड विद द करंट, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा करंट स्टेट, और ये करंट स्टेट कौन सी है, ये करंट स्टेट को हम लोग लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लोकल मैक्सिमा मतलब क्या, कि हम लोगों को लोकली लग रहा है, लोकली मतलब उस पॉइंट पे लग रहा है, उस सिचुएशन पे हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भैया हम मैक्सिमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं पहुंचे हैं, एक्चुअल में हमारा मैक्सिमा जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो यहाँ पे है। तो हम लोग इस एल्गोरिथम के थ्रू क्या रिटर्न करते हैं, लोकल मैक्सिमा को रिटर्न करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हम लोग यू नो फेस करते हैं, तो इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमा को यू नो रिटर्न करते हैं। सो दिस इज लोकल मैक्सिमा जो कि ऑब्वियसली
कम होता है, हमेशा ही कम होता है देन दैट ऑफ द ग्लोबल मैक्सिमा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि किसको करंट बनाना है, किसी नोड यू नो किसी नेबर नोड बनाना है, फिर उसके बाद कैसे कंपैरिजन करना है, रिटर्न क्या करना है, या फिर अगर बाय चांस उल्टी सिचुएशन होती, मतलब ग्रेटर देन होता है, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन होता है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना है कि भैया नेबर नोड बढ़िया है करंट से, अब उसको करंट बना दो और अगले नेबर नोड्स को ढूंढना शुरू करो, अगले नेबर नोड्स को ढूंढना शुरू करो ताकि आप ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंच पाओ। लेकिन भैया यहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे है कि ना ये कंप्लीट है और ना ही ये ऑप्टिमल है। तो अभी इसके अगले आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स ये हिल क्लाइंबिंग सर्च फेस करता है जिसकी वजह से हम ना इसको कंप्लीट बोल सकते हैं, हम ना इसे ऑप्टिमल बोल सकते हैं। सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड विद हिल क्लाइंबिंग सर्च। तो एल्गोरिथम देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, टर्मिनोलॉजीज देख ली, ग्राफ देख लिया। अगर दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो सबसे पहले तो तीन मैजिकल चीजें करना बिल्कुल मत बोली, उसके बिना इस वीडियो को बंद मत कीजिए। पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दूसरी बात इस वीडियो को शेयर करो एंड मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करते जाओ। इतना ही इजी एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाते रहूंगा डिफिकल्ट टॉपिक्स का। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग।